ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। नमस्कार, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में कोरोना से संबंधित बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत सी जिज्ञासाएं होंगी और इन्हीं प्रश्न और इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मैक्स अस्पताल में डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं देश की इस समय स्थिति क्या है कोविड से संबंधित। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर जो है वो बढ़कर 97.19% हो चुकी है और पिछले एक दिन में 44,000 से भी ज्यादा जो मरीज है उन वो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। हालांकि महामारी से अब तक 2,98,00,000 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले एक दिन में 43,000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। टीकाकरण की बात करें तो देश में अब तक 36,89,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। तो ये तो कुल मिलाकर देश की स्थिति है कोरोना को लेकर कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कितने लोगों को टीकाकरण हो चुका है। लेकिन अभी भी एक सवाल जो जहन में है वो है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है खत्म हो गई है या खत्म होनी है, तीसरी लहर ने आना है या नहीं आना है, और कोरोना के बाद के होने के बाद के बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो अभी भी मरीजों को तंग कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज आज हमारे साथ हैं जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मनोज, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद अक्सर मरीजों को देखा गया है कि उनको छाती में दर्द होता है और खून के थक्के जम जाते हैं या फिर दिल का दौरा पड़ने की शिकायत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो सेकेंड वेव जो कोरोना की है वो डिक्लाइन हो गई है, कम हो गए हैं केसेस, पर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने भी कहा कि अभी करीब करीब 43,000 केसेस जो हैं प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है। रही बात पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत सारे अस्पतालों ने पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला है और हम एक चीज ये देख रहे हैं कि ये जो कॉगुलोपैथी या जो ब्लड के थक्के बनने की जो प्रक्रिया है वो पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा रहती है। और इससे क्या है कि आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक, इवन ब्रेन स्ट्रोक और किडनी फेलियर, क्योंकि तीनों एंड ऑर्गन्स में, क्योंकि आप इसको कोविड-19 को ऐसे समझें कि ये मैक्रो या माइक्रो थ्रोम्बोसिस कि बड़ी नसों में और छोटी नसों में दोनों में ये क्लॉट फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसकी जो वजह है वो मैं दर्शकों को, श्रोताओं को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा शॉर्टकट में कि पूरी जो कॉगुलेशन जो हमारी जो सिस्टम है वो इससे अफेक्टेड होती है। दूसरी चीज, जो ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारी धमनियां हैं उसकी जो लाइनिंग होती है इंडोथेलियल सेल्स से जो कि अंदर क्लॉट बनने को रोकती है, वो कोविड-19 में डैमेज हो जाता है। तो ये मुख्य दो कारण हैं जो श्रोताओं को समझना चाहिए। और हमने देखा है कि इस बार चूंकि सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थे, इसलिए जो पोस्ट कोविड जो थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हम लोग बोलते हैं, जिसमें ब्लड की जो थक्के हैं वो ज्यादा बनते हैं, इसकी वजह से देखिए पैरों में अगर बन गया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या जो लेग के जो वेन्स होते हैं, पैरों के जो वेन्स होते हैं, सिराएं होती हैं, उसमें क्लॉट बनता है जिससे पैरों में दर्द और सूजन होता है। बहुत बार आप देखेंगे कि पोस्ट कोविड लोगों के जो पैर के जो अंगुलियां हैं जो उसके जो टिप्स हैं वो काले पड़ जाते हैं, जो जैसे जैसे ठंड में जैसे लाल या काले रंग का हो जाता है उस तरह का हो जाता है। ये छोटे वेसल्स में क्लॉट बनने की वजह से। इसी तरीके से एक नया कॉम्प्लिकेशन उठ के आया है जिसको ए वैस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। जैसे बहुत लोग अपने जान की हड्डी में या हिप ज्वाइंट में पेन बताते हैं और ऐसा देखा गया है कि वहां पे भी क्लॉट बना, जो हेड ऑफ जो फीमर या जो हमारे पैर की जो सबसे लंबी बोन है उसके जगह पे उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी में क्लॉट बना और जिसके वजह से वहां पे नेक्रोसिस हुआ। इसी तरह की प्रक्रिया पेट के नसों में भी देखी गई है। इवन जो बड़े वाले जो नस है जो पूरे शरीर में खून को ले जाती है जिसको एओटा बोलते हैं, वहां भी देखी गई है, ब्रेन में देखी गई है। तो ये एक जो थ्रोम्बोटिक या जो क्लॉट बनने की प्रक्रिया ये जनरलाइज समझिए बढ़ जाती है पोस्ट कोविड। और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हमने अपने प्रैक्टिस में भी देखा है कि बहुत लोगों को कोविड के बाद हार्ट अटैक हो रहा है। ये दो वजह से हो रहा है कि जो हृदय की धमनियां हैं जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं उसकी लाइनिंग डैमेज हो जाती है, या जो
एक स्टॉर्म होता है जिसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जो सीवियर इन्फ्लामेशन का स्टेज होता है, उसमें जो कॉर्नरी आर्टरी की दीवालों में जो प्लाक होता है या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होती है वो रप्चर हो जाती है और एक क्लॉट बन जाता है उसके अंदर, जिससे हार्ट मसल्स की सप्लाई या हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसकी जो ब्लड सप्लाई है कम हो जाती है और इसकी वजह से एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक होता है। तो ये मोटा मोटी श्रोताओं को जानना चाहिए कि ये एक कोविड 19 का जो प्रभाव है ये ब्लड के क्लॉटिंग पे पड़ता है और ये तमाम नसों पे, इवन आर्टरी में और वेन में, मतलब धमनी और सिरा दोनों में हो सकता है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था ये कॉम्प्लिकेशंस कम थे और ज्यादातर वेनस थ्रोम्बोसिस हो रहे थे या सिराओं में, जैसे पैर की नसों में, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी बोलते हैं कॉमनली। बट सेकेंड वेव में देखा गया है कि आर्टरी में भी बहुत ज्यादा क्लॉट बन रहे हैं। नवीन जी, डॉक्टर मनोज, यहां हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के किन मरीजों में इसकी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि कोरोना तो हर किसी को हुआ है, कुछ तीन दिन में ठीक हो गए हैं, किसी को हफ्ता लगा हुआ है, कोई बहुत सीरियस हो गए हैं, तो किन मरीजों में इसकी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं? देखिए नवीन जी, जो आपको कोविड 19 को मैं बोलूंगा कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज है। बहुत सारे लोगों को ये कॉमन फ्लू की तरह से दो तीन दिन फीवर रहा, या बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, बट जो सीवियर केसेस हैं जिसमें कि लंग इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड 19 एक की जो वायरस है SARS-CoV-2 एक इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है जो ACE2 रिसेप्टर्स से बाइंड करता है। ACE2 रिसेप्टर्स जो है वो लंग्स के अलावा और भी ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में, किडनी में, सब जगह मौजूद होता है। तो इस तरीके से वायरस डायरेक्ट बाइंड करके जिन लोगों में सीवियर डिजीज होती है, खास करके जिन लोगों को कोविड निमोनिया होता है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो मार्कर्स हैं, जैसे हम लोग कुछ कोविड मार्कर्स कराते हैं, जैसे डी डाइमर्स, एक जो कॉमनली पेशेंट्स को भी पता होता है कि डी डाइमर्स, इंटरल्यूकिन 6 और CRP, ये तीन टेस्ट कोविड में कराते हैं। तो जिन लोगों का डी डाइमर वैल्यू ज्यादा होता है, हाई होता है, अगर आप नॉर्मल वैल्यू से समझे 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, वैसे लोगों में ये जो थ्रोम्बोसिस की जो संभावना है ये 18 से 25% बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको सीवियर कोविड निमोनिया है, जिनके डी डाइमर्स या जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं और कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज हैं जिनके, उनमें पल्मोनरी इम्बोलिज्म या लंग्स में क्लॉट बनने की संभावना 25% तक होती है। तो यहां मैं श्रोताओं को यही बताना चाहूंगा कि जो पेशेंट्स जिनको ज्यादा कोविड 19 हुआ, मतलब सीवियर कोविड 19 हुआ है जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या जिनके सीटी स्कैन पे स्कोर्स जो है 10/25 से ज्यादा है, वैसे लोगों में थ्रोम्बोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। और देखिए, कोविड की ट्रीटमेंट को भी हम लोग तीन पार्ट में देखते हैं। एक तो एंटीवायरल जो हम रेमडेसिविर के फॉर्म में या फ्लेविपिरावीर के फॉर्म में देते हैं, दूसरा जो होता है वो हम इन जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है उसको हैंडल करते हैं, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि उसमें जो थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोकना होता है। इसके लिए आप हेपरिन, लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन या ओरल एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर मनोज, कोविड होने के बाद मरीजों को और क्या सावधानी बरतनी चाहिए या किन लक्षणों को पहचानना चाहिए जिससे पता चले कि उन्हें ये थ्रोम्बोटिक या थ्रोम्बोसिस हो सकता है? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है कि अर्ली रिकॉग्निशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली रिकॉग्निशन से चीजें मैनेज हो जाती है, बहुत डिलेड प्रेजेंटेशन से फिर उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो जैसे अगर आपके पांव में दर्द है, जैसे पिंडलियां जिसको बोलते हैं, पिंडलियों में दर्द है और वो परसिस्ट कर रहा है, वहां पे कोई रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो ये डीवीटी के लक्षण है, तो इसको तुरंत आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए। आपकी अगर पैरों की उंगलियां टिप्स पे थोड़ी कलर चेंज हो रही है, रेड हो रही है या ब्लैकिश हो रही है, तो तुरंत दिखाना चाहिए। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया कि अभी नया एक थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन उठ के आया है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, AVN जिसको बोलते हैं, अगर आपके हिप ज्वाइंट्स पे पेन हो रहा है, ऑल सब पेन को जरूरी नहीं कि एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से हो, मसल पेन हो सकता है, स्प्रेन की वजह से हो सकता है, बट अगर ये पेन परसिस्ट कर रहा है और आपके डेली एक्टिविटीज में दिक्कत कर रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप कोविड से रिकवर हो गए और घर आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि सांस की दिक्कत बनी हुई है,
या आपको सडन लग रहा है कि डिटोरिएशन हो रहा है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो लेट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस से ही क्लॉट टूट के लंग्स में जाता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कंटिन्यूम ऑफ डिजीज है, वहां से अगर क्लॉट टूटेगा तो वेनस सिस्टम से वो पहुंच जाएगा लंग्स में। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ध्यान देने लायक है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि आजकल जो पेट की जो नसें होती हैं जो सप्लाई करते हैं जिसको मेजेंट्रिक आर्टरीज बोलते हैं, उसमें भी क्लॉट होगा तो हो सकता है कि आपके पेट में दर्द हो। तो पेट का दर्द भी इग्नोर नहीं करना है, किसी भी तरह की ब्रेथलेसनेस इग्नोर नहीं करनी है, या आपको चलने पे छाती में दर्द होता है या जॉ लाइन से लेके नेवल तक कहीं भी आपको पेन होता है तो ये एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। तो इन सब चीजों पे, इन सब सिम्टम्स पे आपको बहुत कॉशस रहना है, और इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो आपको मेडिकल सुपरविजन के लिए जाना चाहिए। जी डॉक्टर मनोज, किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ, उसके बाद उसने वैक्सीन लिया, वैक्सीन की दोनों डोज ली या पहली डोज ली, क्या उसके इस थ्रोम्बोटिक या थ्रोम्बोसिस के चांसेस जो होते हैं वो कम हो सकते हैं वैक्सीन के बाद? देखिए वैक्सीनेशन का जो खास करके एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है जो कि एडनोवायरस वैक्सीन है उसके बारे में कहा जाता है कि उससे क्लॉट बनते हैं, बट ये बहुत रेयर मतलब साइड इफेक्ट है, ये समझिए 0.002% के इवेंट्स हैं इसमें जो मेजर साइड इफेक्ट्स में आता है। तो मेरा कहना है कि वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड जो थ्रोम्बोसिस है वो बहुत रेयर है, लोगों में एक डर सा हो जाता है। अब तो समझिए कि जो रियल वर्ल्ड डेटा आया है कोविशील्ड जिसको आप इंडियन वर्सन ऑफ एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कहिए, उसमें बहुत कम है थ्रोम्बोसिस का। तो जो कोविड 19 की वजह से जो हो रहा है कोगुलोपैथी वो अलग है, और वैक्सीन इंड्यूस्ड कोगुलोपैथी की संभावना बहुत कम होती है। वैक्सीन की डोज जो है वो आपको कोविड सीवियर कोविड से 90% प्रोटेक्ट करती है। जी डॉक्टर, हम इससे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो है वो हमसे जुड़ चुकी है, बलरामपुर से रिंकी तिवारी। रिंकी जी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत करम प्रिय लगते हैं। हेलो रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी स्वागत के नवीन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर सर को भी नमस्कार। क्या जानना चाहती हैं आप? जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ, सर ने तो मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, आपने पूछा भी, तो हम ये जानना चाहते हैं जैसे कोई महिला या प्रेग्नेंट वोमेन है जो मेरी या कोई भी हो, तो सर ये मान लें उसकी डिलीवरी होने वाली या हो गई, बच्चा हो गया, बट उसे कोरोना है, तो क्या बच्चे को होगा? क्योंकि अभी तो वैक्सीन भी नहीं है और डेल्टा प्लस भी आ चुका है, तो सर इस पे क्या इस पर सर बोलेंगे? डॉक्टर मनोज जी, बहुत प्रश्न है इनका, और मैं कहूं कि अभी भारत सरकार ने इसको अप्रूव किया है वैक्सीन को कि प्रेग्नेंट लेडीज किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकती हैं। और आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि 95% बच्चे जो कोविड इन्फेक्टेड मदर से होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है फीटस को, तो बच्चे स्वस्थ होते हैं कोविड मदर के, और जितने भी लैक्टेटिंग मदर हैं उनको भी कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। और एक सजेशन और देना है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में समय मिलता है तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए। जी हमारे अगले श्रोता हैं रामुल यादव, आइए सुनते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। जयपुर से हमारे ये श्रोता है, रामुल जी स्वागत है आपका इसका इस कार्यक्रम में। हेलो जी रामुल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जय सिया राम डॉक्टर साहब और नवीन साहब, आपको भी जय सिया राम जी। नमस्कार, कहिए क्या जानना चाहते हैं? ऐसा मैं नेट पे ही हूँ, मैंने अभी 24 अप्रैल को टीका लगवाया था जी, और मैं अभी कहीं इधर उत्तर प्रदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ के अगर यहाँ से टीका लगाया वहाँ पे टीका लगवा सकते हैं कि हम लोग नेट पे ही नेट 84 साल की उम्र है जी। डॉक्टर झोटवाड़े से बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर ऐसे बहुत से श्रोता हैं और बहुत से लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने एक स्टेशन पे टीका लगाया है, क्या दूसरी डोज वो दूसरे स्टेशन पे ले सकते हैं? देखिए नवीन जी, हम लोग कोविन ऐप से टीका लगा रहे हैं लोगों को, और
ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं श्रोताओं को कि आप फर्स्ट डोज कहीं भी लिए हो, सेकंड डोज आप उसके ड्यूरेशन से, जैसे कोविशील्ड में अभी सरकार ने 84 डेज का रखा है और कोवैक्सीन में 4 वीक का, आप किसी भी सेंटर पे जाके दूसरा डोज लगा सकते हैं, देश के किसी भी कोने पे जाके आप दूसरा डोज लगवा सकते हैं। जी डॉक्टर मनोज, हम वापस अपनी चर्चा पे लौटते हैं। किसी व्यक्ति को कोरोना हो चुका है और उसके कितने महीनों के बाद उसको पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या मान के चले 2 से 3 महीने हो गए, गुजर गए, फिर उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, क्या उसके बाद भी संभव है? देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी जो कोविड का जो सेकेंड वेव आया उसके बाद आपने देखा होगा एक बड़ा इमीडिएट सा कॉम्प्लिकेशन आया जिसको कैम बोले, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो बोलते थे जी। उसके बाद हमने ये रिकॉग्नाइज किया या हमें पता चला कि भाई थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हमने इस बार बहुत ढंग से इलाज का एक तरह से प्रोटोकॉल बनवाया या बनाया, लोगों ने, भारत सरकार ने, ICMR ने इस तरह के प्रोटोकॉल दिए कि आपको एंटीकोएगुलेंट्स जो है डिपेंड करता है कि आपकी सीवरिटी कितनी कोविड की थी, उस हिसाब से 1 महीने 2 महीने तक ओरल एंटीकोएगुलेंट दिए गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बाकी चीजें जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, कोगुलोपैथी है, ये सब जैसे जैसे डिजीज रिकवर करती है कम होते जाती है, अमूमन 2 महीने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम हो जाती है। जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कम से कम 2 महीने तक कोविड पेशेंट को अपने आप को देखना होगा कि किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रखे हैं और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। आइए अब मध्य प्रदेश के दतिया चलते हैं, वहां से कल्याण दास जी हमसे जुड़ रहे थे लेकिन फोन समय कट गया है उनका। डॉक्टर मनोज, मैं आपसे यहां से एक बार फिर हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं और इंजेक्शन को लेकर यानी टीकाकरण को लेकर ही बात करते हैं। क्या टीकाकरण की एक ही डोज जो है वो काफी है या दोनों डोज लेनी पड़ेगी या भविष्य में कोई बूस्टर डोज भी ऐसी हो सकती है जो हमें लेनी पड़े? जी, समय के अनुसार बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। देखिए एक डोज से जो प्रोटेक्शन है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए 2 डोज तो लगाने पड़ेंगे और जैसा कि रिसेंटली जो स्टडीज आई कोविशील्ड पे या एस्ट्राजेनिका वैक्सीन पे कि अगर अंतराल 12 हफ्ते तक बढ़ा दिया जाए तो जो इम्यूनोजेनिसिटी है या जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो ज्यादा मतलब सुदृढ़ होती है, तो सरकार ने उसका गैप जो बढ़ा के 12 हफ्ते कर दिया। थर्ड डोज की बात देखिए, जो नेचुरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जो एंटीबॉडीज जो बॉडी में परसिस्ट करती है उस पे डेटा में थोड़ा वेरिएशन है, बट 6 to 7 मंथ तक होती है। अभी तक हमें ये पता नहीं है कि जो हमारी जो वैक्सीनेटेड जो एंटीबॉडी बनती है वो एग्जैक्टली कितने समय तक रहती है, बट कुछ डेटा जो वेस्टर्न लिटरेचर से आ रहे हैं उसके हिसाब से 6-7 महीने का टाइम होता है जिसके बाद से एंटीबॉडी जो है वो कम होने लगती है बॉडी में, ब्लड में। दूसरी चीज की जो अभी ICMR की स्टडीज आई उसमें उन्होंने कहा कि जो 16% करीब लोग हैं जिनको इवन डबल डोज अगर कोविशील्ड की लगी हो तब भी हो सकता है कि वो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हो जाए, तो ये चिंता का विषय था बट इतना बड़ा विषय नहीं है क्योंकि देखिए वैक्सीन से प्रोटेक्शन दोनों मेथड से होती है, एक तो एंटीबॉडीज के थ्रू होती है, दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बॉडी में होती है। तो एंटीबॉडीज का नहीं पाना का मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित नहीं है वैक्सीन लगाने से, वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कि सेलुलर इम्यूनिटी की वजह से भी आप कोविड-19 से बच जाते हैं। रही बात बूस्टर डोज की, तो अभी कुछ स्टडीज शुरू हुए हैं हमारे यहाँ भी, कोवैक्सीन के बूस्टर डोज की जो स्टडी शुरू हुई है उसका रिजल्ट हो सकता है अगस्त सितंबर में आ जाएगा, तो अगर जरूरत होगी तो तीसरा डोज भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको लॉन्ग या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अचीव हो जाए। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं मैक्स अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर मनोज कुमार। आइए अब मध्य प्रदेश के नीमच का रुख करते हैं और अरविंद वैरागी से बात करते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नवीन सर नमस्ते, और डॉक्टर आपको भी नमस्ते। नमस्कार, क्या जानना मैं चाहते हैं? आभारी हूँ सर आकाशवाणी का, पहले तो ये कि इतनी अच्छी जानकारी हमें मिल रही है और किसी प्लेटफॉर्म पर हमको नहीं मिल सकती है आकाशवाणी के श्रोताओं को। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी का। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कहिए क्या जानना चाहते हैं? और सर मैं, मेरी एक जिज्ञासा है कि बाय द वे अगर डेल्टा प्लस आता है तो क्या
वही इलाज होगा स्टेरॉइड का या और कुछ इलाज नया निकला है इसमें सर? जी डॉक्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं भी ये जानना चाहता था कि अब मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है, क्या वही ट्रीटमेंट चलेगा जो पहले चल रहा था या कुछ नया होगा? देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है, जो अभी बहुत सारे राज्यों में आ गया, हिंदुस्तान में भी, बाहर भी है, और आप ये इस तरीके से देखिए नवीन जी कि जो एवर म्यूटेटिंग स्ट्रेन है सार्स-कोव-2 का, अल्फा, बीटा, डेल्टा प्लस, लैम्डा, एप्सिलॉन, इतने सारे वेरिएंट्स, म्यूटेशंस आ रहे हैं। हर म्यूटेशंस जो है वो वायरस को थोड़ा कैरेक्टर्स को चेंज करता है। जैसे अभी जो हमारे श्रोता पूछ रहे हैं उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो एक चीज है जो सामने आई कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, और दूसरी चीज की जो ये इम्यून मैकेनिज्म को एस्केप कर जाता है, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉकटेल हमने तैयार किया वो इसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। तो निश्चित तौर पे डेल्टा प्लस वेरिएंट के हिसाब से हमें नया एंटीबॉडीज बनाना होगा जो इसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो थोड़ी चेंजेस आएंगे। बट जो हमने आपको दो चीजें बताया कि ये कोविड 19 का ट्रीटमेंट का तीन पार्ट है, एंटीवायरल, एंटी जो साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है उसके लिए, और तीसरा एंटी थ्रोम्बोटिक। तो जो एंटीवायरल वाला पार्ट है वो तो करीब करीब सेम रहेगा, रेमडेसिविर से सीवियर डिजीजेस की जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कम होती है इसमें कोई शक नहीं है, स्टेरॉइड से जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसको कम होता है तो वो भी रहेगा, थ्रोम्बोटिक भी रहेगी। कुछ नए एडिशंस जो एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के कॉकटेल्स बनेंगे, हो सकता है वो डेल्टा प्लस के लिए डिफरेंट हो। जी, हमारे अगले श्रोता है राजस्थान के अलवर से मोहित शर्मा। मोहित जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कहिए क्या प्रश्न है आपका? सर, मैं एक पोस्ट कोविड पेशेंट हूँ, मेरे अप्रैल में हुआ था, तो मई में मैं डिस्चार्ज हुआ था। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप थ्रोम्बोसिस की बात कर रहे हैं तो उसका मेरे को पैर में थोड़ा महसूस होता है कभी कभी, लेफ्ट में फीमर जो बोन है उसके आसपास ही कि कुछ सुन्न है जी, पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो मुझे इसको सीरियस लेना चाहिए या नहीं? डॉक्टर मनोज, अगर आपके पैर में दर्द है तो आपने कहा कि फीमर के पास, फीमर के मतलब अगर ये अपर एंड ऑफ फीमर या हिप ज्वाइंट पे है और ये अगर परसिस्ट कर रहा है तो एक बार आपको किसी भी ऑर्थोपेडिशियन से मिलके या हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलके सलाह ले लेनी चाहिए। हो सकता है कि एक्सरे या उसमें क्या कहते हैं एमआरआई भी किया जाता है इसके लिए, एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए, तो वो पता चल जाएगा। अगर नीचे पिंडलियों के पास दर्द है तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड या डॉपलर बोलते हैं, वेनस डॉपलर करा के आप पता कर सकते हैं कि आपकी कोई लेग वेन में थ्रोम्बोसिस है या नहीं। जी, तो डॉक्टर, इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसका इलाज तो एंटीकोएगुलेशन है, अगर बहुत ज्यादा है तो उसके लिए इंजेक्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हैं, और उसके बाद हम लोग लंबे समय तक उनको ओरल एंटीकोएगुलेंट्स पे, ओरल एंटीकोएगुलेंट्स बाजार में अवेलेबल हैं, एसीट्रॉम, वारफेरिन, या फिर नए नोवेल जिसको बोलते हैं नोएक्स बोलते हैं, जिसमें डेविगार्ट्रन या एपिक्सावेन, इस तरह की दवाइयां जिसमें पीटीआईएनआर टेस्ट को बार बार नहीं रिपीट करना पड़ता है, इन दवाइयों से इसका इलाज होता है। अगर यही क्लॉट अगर लंग्स में पहुंच जाता है तो हमें इंजेक्टेबल दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती है, कई बार थ्रोम्बोलिटिक या क्लॉट को डिजॉल्व करने की जो दवा होती है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डॉक्टर, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कितने वक्त तक इसका इलाज चलेगा, या दो से तीन महीने इसका इलाज, या तमाम उम्र इसका इलाज चलेगा, कैसा इलाज रहता है? जी, ये सीवियरिटी ऑफ इलनेस पे डिपेंड करता है, आपकी वेनस थ्रोम्बोसिस या आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस किस सीवियरिटी की है उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर इंटेंसिटी भी उस पर डिपेंड करती है कि आपको हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन से काम चल जाएगा, या थ्रोम्बोलिटिक या जो स्ट्रांग ब्लड डिजॉल्विंग एजेंट्स हैं जैसे टीपीए है, टेनेक्टिप्लेज है, इस चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, क्या जानना चाहते हैं? शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार आरिफ साहब जी, मैं आरिफ बात कर रहा हूँ सर, सीतापुर से। जी सर, हमको प्रॉब्लम ये रहता है कि अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारे कमर में नीचे के हिस्से में दर्द होने लगता है, तो दर्द काफी मतलब तेज होने लगता है, टेबलेट अगर खा लो तो उससे मतलब कंट्रोल हो जाता है, तो लेकिन ये हमको अक्सर मतलब ये होता है सर्दियों में,
तो इसके विषय में सर आप बताइए, इसकी कुछ जांच करानी पड़ेगी या कोई नॉर्मल दर्द है जी? आप पोस्ट कोविड हैं आरिफ साहब जी? आपको कोविड हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं हुआ है। तो आप सिंपल एक बैकेक का ट्रीटमेंट जानना चाह रहे हैं, तो देखिए बैकेक बहुत सारे हो सकता है, जिसमें कॉमनेस्ट काउज ये है कि आपके डिस्क में प्रॉब्लम हो या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप एक ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, वो आपके एक्सरे और एमआरआई करके वो आपको बता देंगे कि क्या वजह है। लो बैकेक बहुत कॉमन है, एबनॉर्मल पोस्चर या गलत पोस्चर लेने से या बैठने की, जो आप लगातार डेस्क जॉब करते हैं इसकी वजह से भी होता है, तो एक बार आप ऑर्थोपेडिशियन से सलाह लें। और अब बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी को सुनते हैं। सुजीत जी स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं सुजीत जी? जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कितना दिन तक कारगर होता है। जी डॉक्टर मनोज जी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन जो है कितने दिन तक कारगर होता है, और ये एक आम आदमी का सवाल है और एक बहुत ही आम कॉमन सवाल है कि कौन सा वैक्सीन कितने दिन तक रहेगा और कब तक रहेगा। डॉक्टर मनोज देखिए नवीन जी, हमारे देश में चार वैक्सीन अभी अप्रूव्ड हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी और मॉडर्ना को अभी अप्रूवल मिली है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। देखिए वेल टेस्टेड दो वैक्सीन हैं, एक तो पूर्णतः स्वदेशी कोवैक्सीन है और दूसरा कोविशील्ड है, जिसको कि लार्ज नंबर्स में लगाया जा चुका है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए दो डोज के बाद करीब करीब 14 डेज, 2 वीक्स के बाद आपको पूरी कंप्लीट इम्यूनिटी आती है या एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप करता है। अमूमन कम से कम ये अभी तक हमने ये डेटा हम नहीं आपको बता सकते एग्जैक्टली कि कितने समय तक रहता है, बट जो भी रिसर्च है उसमें से एक माना गया है कि 7 महीने तक तो एंटीबॉडीज, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज आपके बॉडी में रहती है। इसीलिए हमने कहा कि जब बूस्टर डोज की बात आएगी तो 7-8 महीने के बाद ही आएगी कि उसको अभी बूस्टर डोज लगना है या नहीं लगना है। दूसरी चीज कि आप एंटीबॉडी कंसंट्रेशन चेक करवा सकते हैं कि आपको वैक्सीन में लगने के बाद कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, क्योंकि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारी कुछ स्टडीज में आया है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, इनमें जो है इम्यूनिटी जो है जो डेवलप हुई वो थोड़ी हल्की हुई या एंटीबॉडी कंसंट्रेशन कम रहा, तो इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन भी है। जी डॉक्टर मनोज, बहुत संक्षेप में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा संदेश ये है कि अभी जो सेकेंड वेव है वो डिक्लाइन हो गया है, वो गया नहीं है, वो मिटिगेट नहीं हुआ है, तो अभी लोगों को पूरी तरीके से देखिए वैक्सीन की एफिकेसी, वैक्सीन अभी हमें इस पैंडेमिक को वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की तरह से सोचना चाहिए, और अभी 10-11% ही वर्ल्ड पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि बायोलॉजिकल वैक्सीन के अलावा हमारे पास एक बिहेवियरल वैक्सीन भी है, वो बिहेवियरल वैक्सीन है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन को मेंटेन करें, हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त करेंगे। जी डॉक्टर मनोज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, सरकार ने कोविड के खिलाफ एहतियाती उपायों में किसी तरह की ढील नहीं देने की अपील करते हुए कहा है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो आपको जरूर अपनाना होगा अगर हम चाहते हैं कि कोरोना की कोई और लहर न आए। इसके अलावा कोविड संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी है जिसका नंबर है 1075। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है, नंबर है 1098, जहां पर फोन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन सक्सेना को दें इजाजत, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnstalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।